हाय गाइज, वेलकम टू टेल स्टॉक न्यूज 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्कसंस फार्मा के बारे में। आखिर हमें स्टॉक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है और चार्ट्स के कैलडिंग टारगेट क्या बन रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करें मार्कसंस फार्मा की, तो शुक्रवार के दिन तकरीबन 13.5% की तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिली। फिलहाल जो कंपनी के शेयर कारोबार कर रहे हैं वो 188.50 रुपये के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल टारगेट जानने से पहले सबसे पहले हम फंडामेंटल देख लेते हैं, कंपनी फंडामेंटली कितनी मजबूत है। मार्केट कैप कंपनी का 8519 करोड़ का है। करंट प्राइस जिस पर कंपनी कारोबार कर रही है 188 रुपये पे, 52 वीक हाई रहा है 189 रुपये, जो कि हमें शुक्रवार के दिन देखने को मिला। 52 वीक लो रहा है 90.60 रुपये। स्टॉक PE 27 के आसपास है, तकरीबन हमें इंडस्ट्री PE के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 45 रुपये है। फिलहाल आप देखोगे तो जो बुक वैल्यू से जो कंपनी के शेयर प्राइस से लगभग 4 गुना ज़्यादा ट्रेड करें। डिविडेंड यील्ड 0.27% है, कंपनी डिविडेंड पे करती है। ROE बहुत अच्छा है, ROCE भी बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। EPS है कंपनी का 6.92 रुपये। जो कंपनी ने अगर पिछले 3 साल देखे तो कंपनी की सेल्स 16.5% के हिसाब से ग्रो हुई है। अगर पिछले 5 साल देखे तो कंपनी की सेल्स 16.5% के हिसाब से, यानी वही सेम 16.5% के हिसाब से कंपनी की सेल्स हर साल ग्रो हो रही है। इंडस्ट्री PE जैसे कि मैंने बताया, जो कंपनी के शेयर प्राइस इंडस्ट्री PE के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। डेप्ट कंपनी पर 244 करोड़ का है, पर आप डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखो तो कंपनी पर डेप्ट का कोई भी दबाव नहीं है, यानी ना के बराबर डेप्ट है। प्रमोटर्स होल्डिंग 44% है। PEG रेशियो के हिसाब से जो कंपनी के शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। ग्राम नंबर के हिसाब से जो कंपनी के शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। अब आ जाते हैं कंपनी के क्वार्टर्स में। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट। देखोगे कंपनी मतलब कि रेगुलर प्रॉफिट में आप देखोगे लगातार प्रॉफिट, कोई भी ऐसा क्वार्टर नहीं रहा जहाँ कंपनी ने लॉस में रही हो। फिर हम आते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, आप देखोगे सेल्स लगातार कंपनी की इंक्रीज हुई है। 2013 में 438 करोड़ की सेल्स थी, जो कि 2024 में बढ़कर 2170 करोड़ की हो गई, यानी हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई दे रही है मार्कसंस फार्मा के अंदर। वहीं आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 2023 और 2024 को कंपेयर करते 18% से 21% हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने का मतलब है जो कंपनी के एक्सपेंस है वो कम हुए हैं। वहीं आप देखोगे नेट प्रॉफिट भी, आप देखोगे लगातार कंपनी का 187 करोड़, 265 और 2024 में रहा 315 करोड़, यानी कंपनी लगातार अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, यानी फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, अब तक हमारे क्राइटेरिया पे फिट बैठती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। वहीं आप देखोगे कंपनी लगातार अपने रिजर्व्स भी बढ़ा रही है। कैश फ्लो में आते हैं तो कंपनी का कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वो 44% के करीब है। 40-50% इन्वेस्टर्स की मतलब कि प्रमोटर्स की होल्डिंग होनी ही चाहिए। वहीं अगर आप आओगे FIIs और DIIs भी आपको अच्छे खासे नंबर में मार्कसंस फार्मा के अंदर दिखाई दे जाएंगे। वहीं आप देखोगे रिटेलर्स तकरीबन 35.5% है मार्कसंस फार्मा के अंदर। वहीं हम चार्ट पे आते हैं। अब जैसे कि हम चार्ट पे आओगे तो ये बनडे टाइम फ्रेम पर आप चार्ट देख रहे हो मार्कसंस फार्मा का, तो आप देखोगे जो कंपनी का जो चार्ट है वो किस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। आप देखोगे यहाँ आए, स्ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट दे रहे हैं लगातार लास्ट तक, फिर ऊपर गए हायर हाई बनाया, फिर नीचे आए एम पैटर्न बनाया, फिर ऊपर गए हायर हाई बनाया, फिर नीचे आके स्ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट दिया अपने मतलब सपोर्ट पर आए, फिर ऊपर गए फिर एक बार हायर हाई बनाया, फिर आप देखोगे नीचे आए, फिर यहाँ पर आप देखोगे फिर एक बार हायर लो बनाया, फिर आप देखोगे फिर एक बार हायर हाई बनाया है कंपनी के शेयर प्राइसेस। ये था आपका वन डे टाइम फ्रेम पर। अब हम आते हैं, क्योंकि आप देखोगे अच्छा खासा वॉल्यूम बना हुआ है, इस वजह से मैंने इस शेयर प्राइस को कवर किया है टेल स्टॉक न्यूज 24 पर। अब आते हैं 1 वीक टाइम फ्रेम पर। आप देखोगे 1 वीक टाइम फ्रेम पर जो कंपनी के शेयर प्राइस है वो इस तरीके की मतलब कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर आप देखोगे हायर हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी जो टारगेट यहाँ से दिखाई दे रहा है हमें 202-203 का टारगेट दिखाई दे रहा है, क्योंकि अच्छा खासा वॉल्यूम बना हुआ है मार्कसंस फार्मा के अंदर। जो मैंने टारगेट बताया शॉर्ट टर्म के लिए बताया, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी बेहतरीन फिट बैठती है, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। पहली बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था, आपको एजुकेट करने के लिए बनाया गया था। इस वीडियो में कोई भी बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।